सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव में 57,000 से अधिक मतों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। ये उत्तराखंड में किसी भी मुख्यमंत्री का सर्वाधिक वोटों से जीत का रिकॉर्ड है। अंतिम 13 राउंड बाद कुल 61,595 मतों की गिनती हुई, जिसमें पुष्कर सिंह धामी को 57,268 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को केवल 3147 मत मिले। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को बुरी शिकस्त मिली है, जहां कांग्रेस जमानत तक नहीं बचा पाई। कई बूथों पर तो कांग्रेस को शून्य वोट भी मिले। इससे लग रहा है कि कांग्रेसियों ने भी मुख्यमंत्री धामी के पक्ष में ही वोट दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की रिकॉर्ड तोड़ जीत से भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल बना हुआ है। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत पर किस तरह उन्हें बधाइयां दी गयी, देखिए सुरागी लाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो इस चुनाव में जीत हासिल की गई है, ऐसी जीत कभी न सुनी न कभी देखी। मात्र 61,595 वोट में से 57,268 वोट माननीय मुख्यमंत्री जी को पड़े और इससे 54,121 वोटों की लीड प्राप्त हुई। इतनी भारी लीड ना किसी मुख्यमंत्री ने कभी ली है, ना कभी होगी, ना कभी मिलेगी। ऐसी उम्मीद कभी की भी नहीं जा सकती। ये तो बधाई है चंपावत वालों को, जिन्होंने इतने बड़ी लीड लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को देहरादून भेजा है। ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने पूरे प्रदेश उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि साथ में यूपी के वासियों के लिए भी ये बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथ हमारा साथ है, ये पक्का है, हमेशा किसे है और हमेशा से रहेगा। इसलिए मैं चंपावत वासियों को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी उम्र के लिहाज से तो उनको आशीर्वाद ही दूंगा। बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि इस खुशी को हम शब्दों में उनके पास पहुंचा नहीं सकते। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है, जो आज तक के इतिहास में उत्तराखंड में पहली बार इतनी बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। तो पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक इतिहास रचा है। दूसरी बात यह है कि पूरे उत्तराखंड में एक हर्ष का माहौल है, और क्योंकि जनता मन से चाहती थी कि धामी जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने और वो बने, और उस पर मोहर जो है वो चंपावत की जनता ने लगाई, तो इसलिए पूरे प्रदेश में एक हर्ष का माहौल है और जनता जो है ये मान रही है। और हमारे जो विरोधी पार्टियां हैं उनको भी ये समझ में आ गया होगा कि कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कि
इससे पूर्व भी मिडटर्म पोल कई बार चुनाव हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी जीत किसी मुख्यमंत्री ने दर्ज नहीं करी जितनी बड़ी जीत जो है हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है। इससे पता उनकी लोकप्रियता का पता चलता है कि वो कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से वो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि वास्तव में उन्होंने इतनी बड़ी जीत जीतकर आज कांग्रेस को दिखा दिया कि कांग्रेस उत्तराखंड में नहीं है। और मेरी दूसरी बधाई इस उत्तराखंड की जनता को है, चंपावत की जनता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे युवा मुख्यमंत्री पर विश्वास जताते हुए इतनी रिकॉर्ड तोड़ उन्हें जीत दी और आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी था उसकी जमानत भी जब्त हो गई। मेरे हिसाब से हमारे इस कांग्रेस को इन्हें वॉकओवर देना चाहिए था, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए था। जिन्होंने जो यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा करके एक महीने उत्तराखंड का नुकसान करा है उसके लिए जनता उन्हें आने वाले समय में माफ नहीं करेगी। और मैं पुनः बधाई देता हूँ अपने मुख्यमंत्री को जो आने वाले समय में इस उत्तराखंड की नई गाथा लिखने वाले हैं। पहले तो देखिए चंपावत की देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा अस्मरणीय कार्य जिसे कहते हैं कि 95% वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देकर एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक संदेश दिया है दिल्ली तक कि हमारे जो पिछले 6 महीने हमारे प्रदेश नेतृत्व में जो राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को दिए थे तो वो आज आगे साकार होता हुआ 5 साल का स्वर्णिम उत्तराखंड का जो इतिहास लिखा जाना है वो मैं देवतुल्य जनता चंपावत की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और एक आम उत्तराखंड वासी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल जो है डबल सरकार, एक मोदी जी की सरकार और एक हमारी उत्तराखंड की सरकार मिलकर इन अगले 5 सालों में एक स्वर्णिम इतिहास उत्तराखंड का विकास की गंगा के रूप में पाएंगे, ऐसा मैं कहते हुए सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।